कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते जैसे तो देश प्रदेशों में आर्थिक मंदी का दौर चला हुआ है, मगर अब केंद्र व प्रदेश सरकारों ने अपने अपने राज्यों में कर्फ्यू में ढील, वो व्यवसाय करने के लिए जरूरी सामान की दुकानों के साथ साथ अन्य दुकानों को भी खोलने के आदेश दे दिए हैं, मगर कुछ दुकानें जैसे बार्बर सैलून की दुकानों को अभी तक नहीं खोलने के आदेश जारी हैं। इसके मद्देनजर नूरपुर के जसूर कस्बा में बारबर यूनियन के प्रधान विधायक राकेश पठानिया से मिलकर इन दुकानों को भी खोलने की गुहार लगाई है। यूनियन के प्रधान तरवीज सिंह ने कहा कि जब से लॉकडाउन कर्फ्यू लगा है तब से हमारा काम बंद है, जिसके वजह से आर्थिक मंदी के दौर से सभी गुजर रहे हैं। एक्चुअली हम बारबर यूनियन के प्रधान हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तरवीज सिंह है जी। हाँ जी बताइए क्या समस्या आ रही है? 15 से 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन लगे हुए। सर हम खर्चे से तंग हैं, हमारे बच्चे तंग हैं, क्या किराया है उनको? दुकानदार किराया मांग रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं उसको? हमारी दुकानें बंद पड़ी, हमारी दुकानें 2 महीने हो गया बंद पड़ी, हम क्या कर सकते हैं? दुकान पे ना किसी के घर कर सकते हैं, उसमें सख्त पाबंदी है। सोचो हमारे बारे में कुछ तो सारी दुकानें खुली हुई हैं, सिर्फ एक हमारी और धोबी की दुकान बंद है, क्या ये ज्यादा कमा रहे हैं? इस बारे में नूरपुर विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि इनकी मांग तो ठीक है, पर इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरे देश भर में एक समान ही पूरा फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी। सर आज बारबर यूनियन वाले आपसे मिले हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बारबर यूनियन की बात बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल ठीक है। सब लोग तो कटिंग करवा ही रहे और सारे सब प्रमुख लोग भी करा रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को आज उठाऊंगा और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फैसला एमएचए कर रहा है, प्रदेश सरकार का कोई ज़्यादा इसमें भूमिका नहीं है, पर हमारी कोशिश रहेगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि इनके लिए एक रिलीफ पैकेज जरूर दिया जाए।